खुशी के भी और घर वालों को बच्चे छोटे छोटे हैं उनको पीछे छोड़ने का भी दुख है पर खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने वहां पे बुलाया। तो पहली अटेम्प्ट थी आज हज पर जाने की? जी जी मुझे वेटिंग में आया, पहली बार नहीं आया, बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं जा पा रही, मगर फिर वेटिंग में मेरे को आया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अभी भी नहीं लग रहा ये सच में है कि मैं हज पे जा रही हूँ। क्या दुआ मांगेंगे आप कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली? वहाँ पर खुशी खुशी हर किसी के लिए, खुशी हर किसी के लिए और हर कोई मुसलमान वहाँ पहुँचे, बस यही दुआ है। चलिए रहेगी आपकी। हर किसी के लिए दुआ, हर किसी हर कोई मुसलमान वहाँ पहुँचे, ये फर्ज भी है और हर किसी को दिल में शौक है वहाँ पहुँचे। आपकी वालिदा शायद साथ जा रही है तो आप महसूस करते हैं कि आपको पूरा मौका आएगा अपनी वालिदा की खिदमत करने का और फरीजा अंजाम देने का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एक तो अपने पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका भी मिलेगा और ये जो हज का अहम फराइज है ये अंजाम देने का मौका भी मिलेगा। क्या दुआ होगी? खुशी से दुआ यही होगी कि हमें अल्लाह ताला हिदायत पे कायम रखे और उसके बाद अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। कश्मीर के लिए क्या दुआ? कश्मीर के लिए यही दुआ है कि कश्मीर के तमाम मुसलमानों को अच्छा हिदायत करे और उनको कश्मीर खुसूस कश्मीर के नौजवानों को अच्छा हिदायत करे और उनको साबित कदम रखे उस हिदायत पर। आप भी दुआ की, आपके लिए भी दुआ करेंगे, सबके लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कबूल फरमाए आप और वी आर हाईली थैंकफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर प्रेस ब्यूरो एंड एवरीथिंग हाउ दे हैव मैनेज्ड देयर और उसके लिए तहे दिल से हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल गवर्नर साहब जो यहाँ के वाकई एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिस तरह उन्होंने यहाँ ये अरेंजमेंट, कोई ऐसी भीड़ नहीं है, रकम तका नहीं है, तो इसके लिए हम गुजार हैं और हमारा लाभ यही होगा, अमन और अमान यहाँ कायम हो जाए। That is for the welfare of the state and for the